हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में चूहड़पुर, जहाँ पे हम आपको आज 6% किसान कोटा आबादी के प्लॉट के बारे में पूरी जानकारी देंगे डिटेल से, कि अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे ग्रेटर नोएडा में और चूहड़पुर में अगर आप 6% आबादी का प्लॉट देख रहे हैं तो किस तरीके से आप यहाँ पे रोड वगैरह किस तरीके से, क्या क्या साइज है, क्या रेट है, वो सभी जानकारी वीडियो में आपको आगे मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये 6% आबादी के जो प्लॉट हैं ये क्या होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरीके के प्लॉट हैं। देखिए, जब अथॉरिटी यहाँ पे ज़मीन एक्वायर करती है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा में करे, नोएडा में करे या यमुना एक्सप्रेस वे करे, तो वो मुआवजे के साथ साथ, यानी कि पैसे के साथ साथ, उनको रहने के लिए प्लॉट भी देती है जिसमें वो रह सकें और अपना कोई काम कर सकें, कॉमर्शियल कोई वर्क कर सकें, इसके लिए उन्हें प्लॉट भी देती है। तो ये प्लॉट जो है, कुछ लोग समझते हैं कि ये प्लॉट किसान सेल नहीं कर सकते, ये किसान अपना प्लॉट जो है मिलने के बाद ये प्लॉट अपना सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफ़र भी मिलेगा, आपका अथॉरिटी में ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री भी हो जाएगी। तो ये ख़रीदना बिल्कुल सेफ़ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लॉट जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी ग्रेटर नोएडा में अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट देखते हैं तो रेट काफ़ी ज़्यादा है, और आप अगर फिर भी ख़रीदना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा में प्लॉट, तो आप ये 6% आबादी के जो प्लॉट है ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है और आप इसमें कोई काम भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है चूहड़पुर की जो है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे जो है, जो परीचौक से 0 पॉइंट जो है उससे स्टार्ट होता है और आपका आगरा की तरफ जाता है, यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से थोड़ी दूरी पे है दूसरी साइड, तो उसी से लगा हुआ चूहड़पुर, स्टार्टिंग में ही थोड़ा ही आप 0 पॉइंट से 2 किलोमीटर के आसपास चलेंगे तो आपको चूहड़पुर के जो है 6% आबादी के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो मकान बने हुए हैं ये 6% आबादी के प्लॉटों में ही मकान बने हुए हैं। इस तरीके के ये रोड है, आप देख सकते हैं सीवर का काम हो रखा है, ये रोड है, वो नाली वगैरह बनी हुई है इस तरीके से, ये इस तरीके से रोड है। और यहाँ पर कुछ आप देखेंगे तो आपको ये बिल्डर की जो है टाउनशिप जो है वो भी, फ्लैट्स वगैरह भी जो है अमरपालिका और भी एक दो बिल्डर की जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिससे कि कॉमर्शियल का अच्छा वो है कि आप यहाँ पे अगर कॉमर्शियल कुछ करते हैं तो आपको अच्छा यहाँ पे काम जो है वो आपका चलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 मकान हैं जो इन्हीं में बने हुए हैं, और ये 9 मीटर का रोड है। रोड के साइज़ की बात करें तो मेन जो रोड है यहाँ पर सर्कल रोड जो है वो आपको 18 मीटर की देखने के लिए मिलेगी, और अंदर के रोड जो है वो आपको 9 मीटर और 7.5 मीटर के रोड जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, इस तरीके के रोड देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे एक प्लॉट हमारे पास अवेलेबल भी है 250 मीटर का, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो वो प्लॉट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेट की बात करें तो यहाँ पे वो रोड के साइज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके सामने जो है वो किस तरीके की रोड है, रेट उस पर डिपेंड करते। तो यहाँ पे रेट जो है वो 35-36 हज़ार रुपये मीटर से लेके और आपका 45 हज़ार रुपये मीटर तक के रेट है, वो डिपेंड करेगा किस तरीके की रोड है और किस तरीके का प्लॉट का साइज है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई कॉमर्शियल वर्क ही होता है, ये अपना मकान इन्होंने बना रखा है मगर नीचे कोई कॉमर्शियल वर्क करते हैं। इधर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने ही यहाँ पर पतंजलि का स्टोर जो है वो ओपन कर रखा है, काफ़ी अच्छा जो मकान है वो बना रखा है। इधर आप देखेंगे तो 2-3 मकान जो है वो बन रहे हैं, ये काम चल रहा है इधर की साइड, तो ये इस पर थोड़ा सा ना जाएं, खाली जगह पड़ी रहती है तो थोड़ा खेती वेती जो है वो लोग करते रहते हैं, बाकी जैसे जैसे आपका प्लॉट है आप उसको डेवलप करते हैं वैसे वो डेवलप होता चला जाता है। ये बीच में एक प्लॉट जो है वो बचा हुआ है इस तरीके से, तो अभी हम एक ही रोड पर हैं, बाकी और रोडों पर भी जाएंगे तो आपको अलग अलग जो मकान है वो देखने के लिए मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, और ये इधर। तो आने वाले टाइम में एक तो एक्सप्रेसवे जो है यमुना एक्सप्रेसवे उससे लगी हुई लोकेशन है, और एक अच्छी, जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की साइड, जो अथॉरिटी के प्लॉट है उनकी साइड चलेंगे तो स्टार्टिंग में ही ये ग्रेटर नोएडा की जो 6% के आबादी के प्लॉट हैं वो हैं, और इनमें क्या है कि रजिस्ट्री है इसलिए आपका ट्रांसफ़र रजिस्ट्री हो जाता है। तो ये कुछ मकान आप इधर भी देख सकते हैं, ये किसी ने अपने प्लॉट की बाउंड्री कर रखी है, इनका बड़ा प्लॉट है। ये सामने 18 मीटर का रोड है, जो सामने जो रोड है वो 18 मीटर का है, तो वो आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से ये 18 मीटर का जो सर्कल रोड है जो चारों तरफ है वो ये रोड है, इस तरीके से ये चारों तरफ चला गया है,
और ये अंदर जो है जो सर्विस रोड है कहीं आपको 9 मीटर कहीं 7.5 मीटर इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। अभी इतना तो डेवलप नहीं है कि बहुत ज़्यादा, बाकी धीरे धीरे जो है मकान बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं, रेट भी आज कम है यहाँ पे इसके हिसाब से। जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे से लगी हुई बिल्कुल साइड है, थोड़ी दूरी पे आप चलेंगे 500 मीटर की तो आप यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो यहाँ से पास ही में देखेंगे। सर्कल रेट की यहाँ की बात करें तो 13,000 रुपये मीटर का सर्कल रेट है। बाकी इस पे मत जाना कि मैंने 13,000 का रेट बताया, रेट जो है वो 35-36 हज़ार रुपये मीटर से लेके और 40-45 हज़ार रुपये मीटर तक का रेट है। सर्कल रेट 13,000 रुपये मीटर का है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने 13,000 का रेट बताया, वो सर्कल रेट है यहाँ का। तो काफ़ी अच्छी एक हरियाली वाली बेहतरीन लोकेशन है। अभी आप यहाँ पे प्लॉट अगर ख़रीदेंगे तो आने वाले एक साल में आप डबल का रेट जो है वो देखेंगे। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा में एक अच्छी जगह पर एक एक्सप्रेस वे के पास, चाहे आने वाले टाइम में आप उसमें कॉमर्शियल वर्क करें या आप रहें या अभी भी आप बना के अपना कॉमर्शियल कोई भी काम कर सकते हैं, तो ये जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं। चारों तरफ ये प्लॉट है, जैसे ये आपको जो बिल्डर की टाउनशिप है इसके चारों तरफ आपको ये प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपका अगर प्लॉट इधर की साइड है तो भी आपको कॉमर्शियल वर्क कर सकते हैं, अगर उधर की साइड है चारों तरफ है तो वो भी। जैसे अभी आप यहाँ पर देखते हैं कॉमर्शियल बेल्ट हो गया इस तरीके की, आने वाले टाइम में इस तरीके की मार्केट जो है वो आप देखेंगे, जैसे जगत फॉर्म की मार्केट है, जैसे रामपुर की मार्केट है, इस तरीके की आने वाले टाइम में आप मार्केट देखेंगे। क्योंकि ये लोग जो है जो यहाँ सोसाइटियों में रह रहे हैं उनको अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी, गाड़ी की सर्विस करानी है, बैंक में जाना है, जिम वगैरह में जाना है, तो वो सभी काम जो है वो इसी तरीके की लोकेशन पे आने वाले टाइम में आप देखेंगे। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे इस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जैसे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।